भारत में त्योहारों का माहौल सा रहता है। खासकर तीज का अपना ही महत्व है। दिल्ली वजीरपुर के मरीना ड्रीम्स बैंक्वेट में ऐसा ही एक तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन फेमिना क्लब शालीमार बाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सावन में मनाया जाने वाला इस पर्व में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पारंपरिक तरीके से मनाए जाने वाले तीज में महिलाएं सावन के गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं, व्रत रखती हैं, हरे कपड़े पहनती हैं। इसी प्रकार इस तीज महोत्सव में भी फेमिना क्लब महिलाओं का ऐसा ही सुंदर रूप और नृत्य देखने को मिला। साथ ही कुछ महिलाओं की आवाज ने सबका दिल जीत लिया। संस्था के प्रेसिडेंट रंजना बूटानी ने बताया कि आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारी महिला साथी मौजूद रही। तीज का त्योहार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी ओर इस त्योहार के माध्यम से अतीत के दर्शन भी होते हैं। आज जो जोश और प्रतिभा हमारे क्लब की मेंबर्स ने दिखाया है, उसने फेमिना क्लब शालीमार बाग का हौसला और मजबूत कर दिया है। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम के साथ अपने इस क्लब को और आगे लेकर जाएंगे। ट्रेजर माया गोयल ने कहा कि यहाँ आई सभी महिलाओं के जोश की तारीफ भी की और सभी का धन्यवाद कहा। इस मौके पर यहाँ कार्यकारी सदस्य कनिका चौधरी, आशु कपाही, रजनी मल्होत्रा, रीना खन्ना, मणि भाटिया, पूजा अरोड़ा, मीनाक्षी गोयल, शशि जैन, रचना बत्रा मौजूद रही। बहुत कुछ आपने देखा ही होगा, कितनी रौनक है। पूरे शालीमार बाग को मैंने इकट्ठा कर दिया, एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए और जितनी भी लेडीज आई हैं सब बहुत एंजॉय कर रही हैं, बहुत खुश है। जो मेरा पर्पस था वो पर्पस अब लगता है पूरा हो गया। इस तरह का आयोजन कितने जरूरी है सबको इकट्ठा? बहुत जरूरी है, सोशल गैदरिंग तो बहुत ही जरूरी है। आजकल घर में लोग अकेले हैं, लोन हैं, सबके बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं, बाहर हैं, जितने भी खास करके लेडीज हैं उनको तो साथ मिल के ऐसे प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है। ये तो प्रोग्राम का एक बहाना है। मेन फेमिना क्लब का मेन जो पर्पस है वो है जो जितनी भी लेडीज हैं उसको एक साथ जोड़ना, उनकी सबकी प्रॉब्लम सुनना, सबको साथ में लेकर चलना, मेन हमारा उद्देश्य ये है। साथ साथ में हम जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं हम वो भी करते हैं, एंजॉय भी कराते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो भी शालीमार बाग में बची हुई हैं वो भी सब फेमिना क्लब ज्वाइन करें। मैं तो चाहती हूँ पूरा शालीमार बाग, अशोक विहार, पीतमपुरा फेमिना क्लब से सब जुड़ जाए। धन्यवाद। मैं माया गोयल। तीज उत्सव हमने फेमिना ग्रुप की तरफ से यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, 500 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और स्टॉल लगाए हैं, कल्चरल प्रोग्राम किए हैं, डांस प्रतियोगिता की है, बहुत सारे इनाम भी सबको दिए गए हैं। तीज का त्यौहार बहुत धार्मिक त्यौहार है। स्त्रियां अपने पति की आयु के लिए शुभकामनाएं करती हैं और हरियाली तीज के नाम से तो जाना ही जाता है। तीज का त्यौहार सबका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब चाह रहे हैं कि हमेशा फेमिना ग्रुप के साथ हम जुड़े रहें और तरह तरह के एक्टिविटीज़ उत्सव यहाँ होते रहें। और हम भी शुभकामना और मंगल कामना करते हैं कि सभी खुश रहें और आते रहें, सभी महिलाएं पार्टिसिपेट करती रहें, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेती रहें। मैं फेमिना ग्रुप को तीज के बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैंने आज तक तीज के बहुत प्रोग्रामों में गया हूँ। जो आज फेमिना ग्रुप जो फेमिना क्लब ने जो प्रोग्राम किया है तीज का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे महिलाओं को जागरूकता मिलती है और इसी पर ऐसे प्रोग्राम समाज में होते रहेंगे तो इससे इस क्लब ऐसे क्लब बनते रहेंगे। इस क्लब को बहुत बहुत बधाई और मैं रंजना मोटानी जी को जो क्लब की प्रेसिडेंट है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको ऐसे क्लबों का ऐसे ही ये प्रोग्राम करते रहे, ये क्लब एक दिन दिल्ली का ऐतिहासिक क्लब होगा। ये फेमिना क्लब बहुत ही सुंदर और समाज के प्रति डेडिकेटेड है क्योंकि रंजना भूटानी ऐसी शख्सियत है जो समाज के लिए, देश के लिए और हर आम नागरिक के लिए बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है। वो विभिन्न संस्थाओं में भी हैं और इनका जो फेमिना क्लब है एक महिलाओं का बहुत बड़ा समूह है और इसमें हर तरह के, हर तबके की महिलाएं हैं जिसका एंटरटेनमेंट, विकास कैसे हो, रोजगार से संबंधित टिप्स दिए जाते हैं, कुछ
इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया जाता है। तो इस तरह का जो वृहद सोच है रंजना जी का, और जिसमें एक ये फेमिना क्लब एनजीओ टाइप का एक मील के पत्थर साबित हो रहे हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, समाज के लिए भी इस संस्था को यूज करती है, और कई धार्मिक संस्थाओं में भी बहुत बढ़ चढ़ के ये फेमिना क्लब और प्रेसिडेंट रंजना भूटानी भाग लेती है। मैं रंजना जी को हृदय से आभार, और आज का प्रोग्राम तो चार चांद लग रहे हैं तीज के, और तीज एक संस्कृति है, संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है, और इनकी क्लब से बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता और एक मैसेज जाता है जिससे समाज में देश में एक माहौल बनती है। इसी के साथ रंजना जी को हृदय से आभार, धन्यवाद। मैं फेमिना क्लब की प्रेसिडेंट रंजना भूटानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए। रंजना भूटानी बहुत एक्टिव महिला है और समाज को जोड़कर चलती है। 600 महिला इन्होंने जोड़ रखी है, बहुत बधाई के पात्र है, साधुवाद है इनका। और जो आज महिला का प्रोग्राम किया इन्होंने, बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट है, अच्छी चीजें इन्होंने रखी है, और अच्छे इन्होंने गिफ्ट रख रखे और अच्छे महिलाओं का सिलेक्शन कर रखा। मैं पुनः इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा फेमिना ग्रुप के कार्यक्रम में मैं आया। तीज महोत्सव है, और ये तीज महोत्सव जो है ये हमारी संस्कृति की पहचान है, तो बड़ी से बड़ी मात्रा में ऐसे कार्यक्रम हो, और तीज से पहले भी 10-11 दिन का समय है, तब भी रंजना जी ने इतनी भारी संख्या में पूरे क्षेत्र की महिलाओं को, जो मुझे लगता है पूरे नॉर्थ दिल्ली से महिलाएं आई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हरा भरा रंग बिरंगा कार्यक्रम देख के, नाचना गाना देख के बहुत अमन शांति जैसा महसूस हो रहा है। मैं फेमिना क्लब की मेंबर हूँ। रंजना जी और माया जी के थ्रू मेरे यहाँ पे एंट्री हुई, मुझे सारा कुछ पता चला, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ ज्वाइन करके। आज तीज का प्रोग्राम है लेडीज़ का, इतना सुंदर और इतना अच्छा आयोजन किया गया है, बहुत मज़ा आ रहा है, रियली आई एंजॉय इट। राधे राधे सभी को। तीज महोत्सव फेमिना क्लब 2023 की तरफ से सभी को तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मेरीना बैंकवेट में शालीमार बाग में हमारी तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है फेमिना क्लब की तरफ से। फेमिना क्लब एक महिलाओं के लिए शालीमार बाग में बनाया गया बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म देता है सभी महिलाओं को, जहां पर महिलाओं के लिए तीज मेला, दिवाली पर प्रोग्राम्स, बहुत सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम्स जैसे खाटू श्याम जी मंदिर जाना, और भी जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, फिर महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, हर महीने हमारे जैसे मंथली बर्थडे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए। तो एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म एक रंजना भूटानी जी और श्रीमती माया देवी जी की तरफ से जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी महिलाओं को अपने टैलेंट्स दिखाने का, अपने हुनर दिखाने का, अपने अंदर छुपी काबिलियत को दिखाने का मौका मिलता है। मैं ममता अरोड़ा शालीमार बाग से फेमिना क्लब की मेम्बर, हमारी जो प्रेजिडेंट हैं रंजना भूटानी, वेरी नाइस लेडीज, बहुत सुंदर, सबसे कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा बोलती है सबसे, सबको जोड़ने वाली महिला है। ऐसी महिला की तो समाज में बहुत जरूरत है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो उनकी आयु दीर्घ हो। लेकिन आज का जो फंक्शन था ब्यूटीफुल, मुझे भी इस फंक्शन में परफॉर्मेंस करने की एक छोटा सा गाना मिला जिससे मैंने ये इनाम जीता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शालीमार बाग में रहती हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं और मुझे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फेमिना क्लब। हम सब सखियों ने मिलकर फेमिना क्लब के तीज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और कोशिश किया है कि सबका मनोरंजन अच्छे से हो, सबको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले, और सबका खाना पीना भी अच्छा, और सब अच्छे से एंजॉय करके जाएं, और उन्हें फिर लगे जा करके कि हमने आज का दिन बहुत अच्छे से बिताया। फेमिना ग्रुप के प्रेसिडेंट रंजना, उनके बारे में क्या कुछ है? फेमिना ग्रुप के प्रेसिडेंट तो हमारी बेटी ही बराबर है, हमारे साथ की है, हमने मिलकर ही बनाया, हम लोग एग्जीक्यूटिव है, वो उसको आगे बढ़ाया है ताकि वो और ग्रुप को आगे बढ़ा सके और मेम्बर्स बना सके और लोगों को पता लगे कि फेमिना क्लब क्या क्या करता है, और एक्टिविटीज भी बहुत सारी सोशली कर रहे हैं हम लोग। ये तो शुरुआत है सांस्कृतिक कार्यक्रम। शालीमार बाग की सभी गृहणियों को, सभी लेडीज को दिल से आभार है जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और सभी बहुत खुश होकर, उत्साहित होकर
होकर उन्होंने डांस किया। सभी बहुत खुश होकर दुआएं देकर जा रही हैं कि हमारा प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम है। यहाँ पर अभी तक 500 के करीब लेडीज हो गई हैं, जो कि शालीमार बाग के लिए और हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। मैं फेमिना की मेंबर नहीं हूँ, बट मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड श्योरली आई लाइक टू बिकम द फैमिली मेंबर ऑफ फेमिना। हेलो एवरीवन, मैंने जनवरी में ही ज्वाइन करा फेमिना क्लब, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एज अ हाउसवाइफ हमें यहाँ पे आकर एक बहुत बड़ा सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल, एक अपना यंग टाइम, यंग तो हम है ही हैं, बट एक अपने कॉलेज टाइम याद आ गया। फेमिना ग्रुप बहुत ही अच्छा है, हमारी जैसी सभी लेडीज आए और ज्वाइन करें। आई एम एंजॉयिंग लॉट इन दिस क्लब। आई सजेस्ट दैट ईच एंड एवरी वुमन शुड कम हियर एंड दे कैन रिवाइज देयर कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज हियर। सो प्लीज ज्वाइन दिस क्लब, दिस इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग।